आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है मेरे दोस्तों, ये जरूर देखिए। तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, एक लड़का जो कि उस समय कॉलेज में पढ़ा करता था, स्टूडेंट लाइफ थी। आपको पता है दोस्तों, जब किसी की स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो उसके पास पैसों की कमी होती है, मैक्सिमम युवाओं में ऐसा होता है। भाई के पास हीरो होंडा पैशन बाइक थी और घूमने फिरने का बड़ा शौक था, जैसे युवाओं को होता है, उसको भी था। एक बार वो जाता है पेट्रोल पंप, भीड़ बड़ी ज़्यादा थी, तो जी वहाँ एक बुजुर्ग सा बंदा पेट्रोल डाल रहा होता है। जब उस भाई का नंबर आता है, बुजुर्ग डाल देता है। उसके बाद कुछ बंदे इतने ज़रा जल्दी में थे, तो बुजुर्ग उनका पेट्रोल डालने लगता है। तो दोस्तों, ये जो ये बंदा था, ये बाइक की किक मारता और वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 6 महीने, सालों बीत जाते हैं। अब वो बंदा अपनी प्रोफेशनल जॉब पर होता है। जैसे कि दोस्तों आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, कि जी हर बंदे को अपना जो इतिहास है उसके ऊपर बड़ा गर्व हो रहा है। अब उस बंदे को भी पता चलता है कि वो राजपूत है। अब धीरे धीरे बंदे में बड़े चेंज आते हैं, आपको पता है। तो उसको ये भी पता चलता है कि राजपूत किसी का हक नहीं मारते। अब धीरे धीरे उसके ना कलेजे में एक खलबली सी मचती है, यार ऐसे ऐसे मैंने ना वहाँ पे ठगी की थी यार, और एक बुजुर्ग सा बंदा था, मैंने बुजुर्ग के साथ ठगी की है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बंदे की ना दिल में से आवाजें आ रही थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एक बुजुर्ग बंदे के साथ ठगी की है। लेकिन अब इस बात को बड़े साल हो चुके हैं, अब क्या करे। वो बंदा अपने होम टाउन आता है, होम टाउन आके उसी पेट्रोल पंप पर जाता है और जाके वहाँ का जो ओनर होता है उससे बात करता है कि जी भाई साहब, ऐसे ऐसे मैंने कई साल पहले, तकरीबन बहुत साल हो गए हैं, मैंने पेट्रोल भराया था, ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग बंदे थे आपके यहाँ पे, भीड़ बड़ी ज़्यादा थी और मैं बाइक लेके निकल गया था और मैंने पैसे नहीं दिए थे उनको। जब ये बात पेट्रोल वाला सुनता है तो बड़ा हैरान होता है, फिर वो बंदा पैसे देता है और पेट्रोल वाला बोलता है कि आप ना उस बुजुर्ग को ही दे दो, बुजुर्ग भी यहीं है। बुजुर्ग को देता है पैसे, तो जी बोलता मैंने मेरे पैसे इसलिए दिए कि मुझे ना अब मेरे दिल को तसल्ली होगी, और जी वैसे भी उस समय मैं एक आम बंदा था, पर मैं अब राजपूत हूँ, मुझे पता चल गया कि ये देश मेरा है, ये देशवासी मेरे हैं, अगर मैं ही ठगी करूँगा तो मुझे राजपूत कौन कहेगा। और ये बातें तो उसने बहुत बड़ी बोल दी, और पेट्रोल पंप वाले ने जब ये बातें सुनी तो उसने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी, आज भी बंदा जब उस पेट्रोल पंप पे जाता है तो जी वहाँ जो कर्मचारी हैं ठाकुर साहब कह के बुलाते हैं उसको, ठाकुर साहब। अब दोस्तों, ठाकुर साहब क्यों बुलाते हैं कह के, कि उस बंदे के जज्बे से, बंदे ने गलती भी की थी और अब खुद माना आके, और माना भी पूरे दम से। तो दोस्तों, ऐसे भी हमारे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ की गलती अब जाके उसने सुधारी। तो आप भी यार किसी के सारे ठगी मत करना यार, अगर दमदार राजपूतों वाला खून है ना आपके अंदर, तो ठगी मत करना, सीधी सी बात है। जय भोले शंकर।